हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सूर्य अर्घ के बारे में, यानी कि सूर्य को जल देना। क्या रेलेवेंस है इसका, क्यों हम देते हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके, कैसे देना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि सूर्य होता क्या है एज पर एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को एक सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट स्थान दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसको किंग बोला जाता है। अगर सारे प्लैनेट्स को एक कैबिनेट में बिठा दिया जाए और अलग अलग पोजीशन दे दी जाए तो सूर्य को उन सब में किंग माना गया, राजा होता। क्यों? क्योंकि सूर्य एक विजिबल देवता भी उसको माना गया है, जो दिखाई देते हैं एक्चुअल में हमें, लेकिन वो देवता के समान उनका स्थान है। क्यों? क्योंकि वो सारे यूनिवर्स को अपनी एनर्जी देते हैं, उनके आने से सीजन चेंज होते हैं, उनके आने से दिन रात चेंज होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी नरिशमेंट मिलती है सब प्लांट्स को, ह्यूमंस को, सब लोगों को। इस वजह से उनको एक देवता के समान स्थान दिया गया है हिंदू मैथोलॉजी में। अब अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो सूर्य बहुत सारी चीज़ों पर रूल करता है, जैसे कि फादर, सूर्य फादर पर रूल करता है, आपके सुपीरियर्स और बॉसेस पर रूल करता है। यानी कि अगर आपका सूर्य खराब हो रहा होगा तो आपको अपने कलीग से या सुपीरियर से प्रॉब्लम आएगी। ये हो सकता है या तो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे या फिर वो आपको अननेसेसरीली आपके इश्यूज क्रिएट करेंगे आपके लिए। तो ये चीज़ होती है जब सूर्य खराब होता है। इसके अलावा सूर्य आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर रूल करता है। जब सूर्य वीक होता है तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस पर भी हिट कर सकता है। सूर्य आपके मान सम्मान, रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन पे भी रूल करता है। यानी कि अगर आपको कभी कोई सूर्य में प्रॉब्लम आ रही हो तो आपके ऊपर अननेसेसरी ब्लेम्स लग सकते हैं, या फिर हो सकता है लोग बहुत काम करने के बावजूद भी आपको रिकॉग्नाइज ना करें। ये सब भी सूर्य के वीक होने की वजह से होता है। सूर्य राइचियसनेस पे रूल करता है, यानी कि क्या सही है, क्या गलत है, ट्रुथ की तरफ, जो पाथ है आपका, जो रास्ता है, उसकी तरफ भी सूर्य रूल करता है। सूर्य ऑनेस्टी पे रूल करता है और भी बहुत सारी चीज़ों पे, हेल्थ पे भी रूल करता है सूर्य। अगर आपका सूर्य वीक है तो आपको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बोन्स से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या कुछ और ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जो गर्मी की वजह से होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि स्किन इश्यूज या और भी कई प्रॉब्लम्स आपको सूर्य की वजह से भी हो सकती हैं। अब ये देखते हैं कि ये सूर्य को जल क्यों देना चाहिए। पहली चीज़ तो मैंने आपको अभी कुछ एग्जांपल्स बताए कि जब सूर्य वीक होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर हम सूर्य को जल देंगे तो उससे एक तो ये सारी प्रॉब्लम्स रिमूव होंगी। उसके अलावा एक साइंटिफिक एस्पेक्ट भी है। सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है तो जो पहले 15-20 मिनट जो सूर्य के निकलने के बाद होते हैं, जिस टाइम पे आपने देखा होगा सूर्य काफ़ी ऑरेंज से कलर का, बड़ा सुंदर सा, बड़ा सूदिंग सा होता है, उस टाइम पे हम बड़े आराम से उसको अपनी नेकेड आईज से देख सकते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप जनरली भी जाके सूर्य के सामने खड़े हो जाएं और सूर्य की किरणों को अपनी बॉडी पे लें तो उस टाइम के सूर्य की किरणों में खास अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी मैक्सिमम उन किरणों को उस टाइम पे अब्जॉर्ब करती है और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी आप इस चीज़ से ठीक कर सकते हैं। अगर आप जस्ट रोज़ सुबह सनराइज़ के टाइम पे बाहर जाके खड़े हो जाएं ऐसी जगह पे, जैसे कि जहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल आपके ऊपर पड़ती हैं, आप पूरा अच्छे से देख पा रहे हैं उनको, तो 15 मिनट भी अगर आप खड़े हो जाएंगे ना सुबह की वो जस्ट उगते हुए सूर्य की किरणें लेने के लिए, आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच भी सकते हैं और अगर आपको एग्जिस्टिंग बीमारियां आप उनको ठीक भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सन थेरेपी। आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पुराने लोग जो थे वो बहुत साइंटिफिक थे, वो इन बातों को शायद जानते थे, इसी वजह से उन्होंने ये मैकेनिज्म निकाला कि आप सूर्य को जल देने सुबह सुबह बाहर जाएंगे, आप जल देंगे, सूर्य की तरफ प्रणाम करेंगे, देखेंगे। एक तो ये कि आप इस चीज़ के थ्रू नेचर को अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ नेचर आपको कितना कुछ दे रही है। एक तो ये आपकी साइकोलॉजी में डेवलप होगा कि हाँ नेचर भी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। दूसरा ये कि उस टाइम पे जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं आपकी बॉडी पर वो भी पड़ेंगी जब आप सूर्य को जल दे रहे होंगे, तो आप वैसे भी डिजीज फ्री रहेंगे।
अब पहले वाला जो मैंने एस्पेक्ट बताया था कि आपकी साइकोलॉजी में ये चीज़ आएगी कि नेचर आपके लिए कितना कर रही है। अब देखिए, आज हम इन चीज़ों से दूर जा रहे हैं, सूर्य को जल देने और ये सब हमें ढकोसला लगता है। इसी वजह से हमने नेचर को भी अप्रिशिएट करना बंद कर दिया। आज हम कह तो बहुत रहे हैं एनवायरनमेंट, लेकिन अल्टीमेटली हम क्या करते हैं? इतने पॉलीथीन्स यूज़ कर रहे हैं, इतना गार्बेज यूज़ कर रहे हैं, इतना हमने सारी जो हम पुराने टाइम में हमारे पेरेंट्स या हमारे दादा परदादा किया करते थे, इतनी इकोनॉमी से चला करते थे, थैले लेकर जाया करते थे, वो सब चीज़ें हमने छोड़ दिया। पॉलीथीन बैग्स, पेपर का भरपूर यूज़ कर रहे हैं हम, तो क्या कर रहे हैं हम एनवायरनमेंट के लिए? हम कोई अप्रिशिएट तो नहीं कर रहे हैं नेचर को। तो इन चीज़ों को करने से हमें वो नेचर के लिए भी एक अप्रिसिएशन आनी शुरू होती है कि हाँ, नेचर भी हमारे लिए बहुत कुछ करती है, तो हमें भी नेचर को गिव बैक देना चाहिए, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये भी एक फीलिंग डेवलप होती है जब आप सूर्य को जल देते हैं। अब आते हैं कि सूर्य को जल देना कैसे चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए, सबसे बेस्ट टाइम होता है सूर्य सनराइज से लेके अगले एक घंटे के बीच में। अब अगर आपको सनराइज देखना है तो गूगल पर जाइए और सनराइज और अपने सिटी का नाम लिखिए। जैसे मान लीजिए आप मुंबई में रहते हैं तो सनराइज मुंबई, जस्ट आपको इतना गूगल पे लिखना है, सबसे टॉप पे आपको सनराइज टाइम दिखा देगा मुंबई का। वो जो टाइम होगा तब से लेके एग्जैक्ट अगले एक घंटे के अंदर, वो सबसे अच्छा टाइम होता है। पहली होरा होती है उस टाइम पे, उस दिन की, उसको होरा बोलते हैं। होरा मतलब आर, जो इंग्लिश का आर वर्ड है HOUR, वो भी होरा से ही बना है, संस्कृत के होरा वर्ड से ही बना है वो। तो पहली होरा होती है उस दिन की। तो उस टाइम पे अगर आप सूर्य को जल देंगे तो आप मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि हम 11 बजे दे दें, 12 बजे दे दें, हम लेट उठते हैं। तो पहली चीज़ तो मैं आपको कहूँगा कि लेट उठना कभी भी अच्छा नहीं होता, एज पर हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स भी और एज पर एस्ट्रोलॉजी भी अच्छा नहीं होता। जिस टाइम सूरज उग रहा हो उससे जस्ट थोड़ी देर पहले आपको उठ जाना चाहिए ताकि आप सूर्य को जल देने जा सकें जिस टाइम सनराइज हो रहा है। सबसे बेस्ट टाइम होता है अगर आप पहले ही 15-20 मिनट में दे दें सनराइज के। लेकिन अगर आप नहीं दे सकते तो विद इन फर्स्ट 1 आवर ऑफ सनराइज आपको दे देना चाहिए सूर्य को जल। इसके लिए आप एक कॉपर का लोटा यूज कर सकते हैं। कॉपर नहीं है तो कोई भी स्टील का लोटा भी चलेगा या कोई और लोटा भी चलेगा। उसमें आप पानी भर के, साफ पानी भर के लेके जाइए, और इससे पहले आप नहाए धोए होने चाहिए, साफ कपड़े पहने होने चाहिए। मान लीजिए अगर आपका रूटीन ऐसा है, आप कोई शिफ्ट जॉब में हैं या किसी और रीज़न की वजह से सुबह आप नहा नहीं सकते, तो आप हाथ पैर और मुंह धोकर भी सूर्य को जल दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए नहाने की, अगर नहीं नहा सकते तभी आप ये करिए। आपको एक लोटे में जल लेना है, बाहर चले जाना है ऐसी जगह पे जहाँ पे आप सूर्य को देख सकते हो, जहाँ पे सूर्य विजिबल हो। अगर मान लीजिए आप ऐसी जगहों पे हैं, मेट्रो में हैं, जैसे मुंबई हो गया, गुड़गांव हो गया, जहाँ पे बहुत लंबी बिल्डिंग्स, बहुत ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रेपर्स होते हैं जहाँ पे आपको सूर्य दिखता ही नहीं है, तो ऐसे केस में भी आपको जल देना है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके। और अगर सूर्य दिख रहा है तो बहुत वेल एंड गुड, नहीं दिख रहा तो भी आपको ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके देना। आप बिल्कुल ऐसे लोटे को ऊपर ले जाइए और बिल्कुल थोड़ा सा टेढ़ा करके धीरे धीरे आपको जल गिराना शुरू करना है सूर्य की तरफ देखते हुए। और कोई भी सूर्य का आप मंत्र बोल सकते हैं, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, या फिर ओम मित्राय नमः, ओम भानवाय नमः, कोई भी मंत्र, या फिर सिंपली गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं आप। इस तरीके से कोई भी मंत्र आपको सूर्य का बोलते रहना है और वो जल गिराते रहना नीचे थोड़ा थोड़ा। एटलीस्ट आपको इतनी पेस से जल गिराना है कि जब तक जल पूरा गिर ना जाए तब तक आप एटलीस्ट 10-11 बार आप उस मंत्र को बोल चुके हों, तो इस पेस से आपको गिराना है। और जल देते हुए आपको पूरा इस फीलिंग से जल देना है, मन ही मन ये विजुलाइज करते रहना है कि सूर्य से बड़ी पावरफुल किरणें आपकी तरफ आ रही हैं, और आपके ऐसे आज्ञा चक्र से, ये आज्ञा चक्र होता है, आज्ञा चक्र से पूरी अंदर आपकी बॉडी में स्प्रेड होती जा रही है और आपकी बॉडी से सारी नेगेटिविटी बाहर आती जा रही है। इस तरीके से लगातार फील करते हुए आपको देना है। वो एकदम मशीनी प्रोसेस नहीं हो जाना चाहिए, चलो चलो जाके सूर्य को जल दिया, 11 बार मंत्र बोला और पटाख से अंदर आ गए। इस तरीके से मशीनी प्रोसेस नहीं होना चाहिए। जितना आप करें बहुत ही फील करके करिए, ये फीलिंग बहुत ज़रूरी होती है कोई भी मंत्र को करते हुए, सूर्य को जल देते हुए, या कोई भी और उपाय करते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप 11 बार सूर्य का मंत्र बोलते रहिए, उतनी देर में जल खत्म हो जाएगा। फिर नीचे जो जल गिरा हुआ है उसमें थोड़ा सा उंगली डुबाकर थोड़ा सा यहाँ पे लगाइए, और थोड़ा फिर दोनों आँखों पे और थोड़ा गले पर, इस तरीके से आपको वो जल लगा लेना है। क्योंकि वो जो नीचे भी गिरा होगा वो अभिमंत्रित जल है,
कई लोग कहते हैं कि वो नीचे गिरा हुआ जल, उसके छींटे आपके पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए। ठीक है, वो आइडियल केस है, लेकिन जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि नीचे फर्श होता वो आपके पैरों पर तो गिरेगा ही। तो कोई बात नहीं, अगर वो गिर भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब नीचे गिर जाए और आप पूरा दे दें सूर्य को जल, कोशिश करिए कि वो नीचे गिरे हुए जल में पैर ना डालें। मतलब आप जनरली उसके अंदर पैर डाल के आगे जा रहे हैं, जब इस तरीके से ना करिए, कोशिश करिए ऐसा ना करें। तो आपने पूरा जल दे दिया, दैट्स इट, उसके बाद यहीं पे ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है। सूर्य को मन ही मन नमस्कार करिए और उसको बोलिए कि भी जैसे आप पूरे यूनिवर्स को अपनी एनर्जी देते हैं, वैसे आप हमें भी उस एनर्जी का एक पार्ट दीजिए, ताकि हम जहाँ पर भी जाएँ अपनी एनर्जी, अपनी नॉलेज हर जगह स्प्रेड करें। तो इस तरीके से नमस्कार करके, प्रे करके, और फिर वापस आप अंदर आ जाइए। मान लीजिए आप कोई अपार्टमेंट के अंदर रहते हैं जहाँ पे कोई बालकनी नहीं है, आप बाहर दे नहीं सकते हैं जल, तो उसका एक प्रोसीजर आप ये कर सकते हैं कि नीचे आप बाल्टी रख लीजिए। क्योंकि मुझे कई लोग फ़ौरन से बाहर से कॉल करते हैं, उनके पास बालकनी नहीं होती है, अपार्टमेंट्स में रह रहे होते हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ आप नीचे बाल्टी रख लीजिए और ऊपर जल देना शुरू करिए। उसका जो पानी है वो बाल्टी में इकट्ठा होता जाएगा, आप ऐसे ही देते रहिए ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके, वो बाल्टी में पानी इकट्ठा होता रहेगा। जब आप पूरा दे दें तो वो पानी को आप कोई भी गमले में या पेड़ पौधे में बड़ी रिस्पेक्ट से बाद में डाल दीजिए। दैट्स इट, बस इतना करना है। हमारे पुराने ग्रंथों में बहुत ज़्यादा कुछ कहा गया है सूर्य को नमस्कार करने के बारे में, जल देने के बारे में। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स दे सकता है सूर्य को रोज़ जल देना। आपका करियर अच्छा हो सकता है, हेल्थ अच्छी हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हो सकता है, आपको रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिल सकती है जगह जगह, और भी आपके कई फ़ायदे हो सकते हैं। आपके फादर को भी इसके फ़ायदे मिल सकते हैं, क्योंकि सूर्य फादर पे भी रूल करता है। अगर आपके अपने बॉसेस, सुपीरियर्स वगैरह से अच्छे रिलेशन या वो भी इम्प्रूव हो सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इसके एंडलेस फ़ायदे हैं, आपको 101% रोज़ ज़रूर करना चाहिए। ये हमारे एक पुराने वैदिक कल्चर में आता है, तो आपको ज़रूर ज़रूर करके इसके फ़ायदे उठाने चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपने इतना टाइम निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू, बाय बाय।